दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव न्यूज दिल्ली और आज हम खड़े हैं प्रवेश वर्मा जी की कोठी पर जहां पर चल रहा है दिल्ली स्टार अवार्ड कार्यक्रम। आज दिल्ली के उन युवाओं को सम्मानित किया जा रहा है जिन्होंने समाज सुधार के लिए इस कोविड के पीरियड में भी अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है, अपनी जान पर खेलकर लोगों की रक्षा की है, दिल्ली की सेवा की है, दिल्ली के लोगों की सेवा की है। आज हमारे साथ मौजूद हैं बदरपुर क्षेत्र के विधायक और दिल्ली के बहुत बड़े नेता रामवीर सिंह भिदुड़ी जी। सर पहले तो आपका हार्दिक स्वागत है और सर जिस तरीके से आज ये कार्यक्रम हो रहा है, दिल्ली के नौजवानों को सम्मानित किया जा रहा है, इस पर दो शब्द आप क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं अपने बहुत ही प्रिय मित्र जो कि बहुत ही सीनियर पत्रकार भी हैं श्री सत्येंद्र त्रिपाठी जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ कि हर साल उनकी ओर से या उनकी संस्था अधिकार मंच की ओर से ये शानदार कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और मैं हर साल उनके इस कार्यक्रम में सम्मिलित होता हूँ। इस बार भी मुझे इस कार्यक्रम में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं अपनी ओर से उनको भी और जिन सम्मानित मित्रों को आज के इस कार्यक्रम में सम्मानित किया जा रहा है उन सभी को अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से, भाजपा विधायक दल की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ श्री सत्येंद्र त्रिपाठी जी को और उनकी टीम को भी। निरंतर हर साल जिस तरह से इस कार्य को वो आगे बढ़ाते रहते हैं उनको एक बार बहुत बहुत मेरी ओर से बधाई और शुभकामनाएं। सर जैसा कि आप दिल्ली बदरपुर के विधायक के साथ साथ दिल्ली के विपक्ष के नेता भी हैं, आजकल जिस तरह का पॉल्यूशन दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा ही बढ़ रहा है और कल तो और भी ज़्यादा था, अभी आप क्या मतलब स्पेसिफिक वो ले रहे हैं? भाई हम पौने दो साल से कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल को कि दिल्ली दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी WHO ने घोषित कर दी। पिछले साल 54,000 लोग प्रदूषण की वजह से उनकी मृत्यु हो गई और उसका कारण क्या है? कारण है कि दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स कर गया है। दिल्ली में आज अरविंद केजरीवाल की सरकार के पास दिल्ली की सड़कों पर DTC की बसें आपको चलती हुई नहीं दिखाई देंगी। जब वे दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे तो दिल्ली के पास 7,000 DTC की बसें थी, वो घटकर 3600 हुई या 3600 जो बसें थी उनकी उम्र भी समाप्त हो गई। तो दिल्ली में जो बहुत ज़्यादा आप जो ट्रैफिक आप देख रहे हैं उसका कारण ये है कि हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कोलैप्स कर गया, उसी से बहुत ज़्यादा दिल्ली प्रदूषित हो रही है। दूसरा कारण है कि दिल्ली की जितनी भी सड़कें हैं वह टूटी पड़ी है, उनके ऊपर गड्ढे हैं और सबसे ज़्यादा PM2.5 या प्रदूषण सबसे ज़्यादा जनरेट होता है डस्ट से। तो सबसे ज़्यादा डस्ट आपको सड़कों पर दिखाई देगी क्योंकि सड़कें टूटी पड़ी हैं, गड्ढे हैं, जब गाड़ी चलती है तो जब गड्ढे में टायर जाता है तो डस्ट उड़ती है। और दिल्ली की सड़कों की जो मशीनों से जो सफाई होनी चाहिए थी, जो कमिटमेंट दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली के लोगों के साथ की थी, उस दिशा में कोई भी कदम उनकी तरफ से नहीं उठाया है। तो उनको यदि वो दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ठीक कर ले, दिल्ली में 11,000 DTC बसों की आवश्यकता थी, ये उन्होंने ये बात कही थी, यदि दिल्ली में DTC की बसों की संख्या 11,000 हो जाए तो लोग अपने जो निजी वाहन हैं उनका इस्तेमाल करना बंद कर देंगे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जब वो इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित तौर पर पॉल्यूशन कम होगा दिल्ली की सड़कों की। आप उनको लंदन और पेरिस वाली सड़क यदि नहीं बना सकते हैं, आपने कमिटमेंट तो यही की थी, लेकिन कम से कम दिल्ली की सड़कों पर आप गड्ढे तो भरवा दें और दिल्ली की सड़कों की जो सफाई है, जो दिल्ली सरकार की सड़कें हैं उनकी सफाई मशीनों से हो तो दिल्ली में प्रदूषण कंट्रोल में आ जाएगा, ये मेरा मानना है। सर जैसा कि अभी दिल्ली के अंदर MCD का चुनाव भी आने वाला है और आप बदरपुर के विधायक भी हैं, वहाँ पर MCD का कोई काम नहीं हो रहा, कोई सफाई नहीं हो रही, सारी नालियाँ भरी रहती हैं, सड़कें सारी गंदी हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? बदरपुर में आप, मुझे लगता है कि आप गए ही नहीं बदरपुर। सर मैं बदरपुर में ही रहता हूँ सर। अगर आप बदरपुर रहते हैं तो आप मेरे साथ जो है ना कल जो है आप बोलिए मेरे साथ किस समय चलेंगे और सर, जब आप कहेंगे सर। की सड़कें जो है, बदरपुर की गलियां जो है, आपका चाहे हरिनगर वार्ड है, चाहे जैतपुर वार्ड है, चाहे मीठापुर वार्ड है, चाहे मूल्यवंत वार्ड है, सारी सड़कें वहाँ पे आपको बिल्कुल साफ सुथरी दिखाई देंगी। हमारे चारों काउंसलर्स अच्छे से वहाँ काम कर रहे हैं और जब चाहें आप मेरे साथ आप चलकर वहाँ विजिट करें और दिल्ली के लोगों को दिखाएं। तो आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ दिल्ली और आज हमारे पास यमुना पार्क के विधायक हैं। सर जिस तरीके से दिल्ली के अंदर अभी पॉल्यूशन का हाल हो रखा है उस पर क्या कहना चाहेंगे सर आप?
देखिए प्रदूषण से दिल्ली त्रस्त है। दुनिया की राजधानियों में सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी दिल्ली है। यहाँ हवा और पानी दोनों प्रदूषित है। अभी छठी के अवसर पर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं, ऐसा लगता था कि पूरी यमुना में किसी ने कपड़े धोने का साबुन घोल दिया हो। एयर की जो हालत है वो आप रोज़ाना देख रहे हो, हर तीसरा आदमी अस्थमे से पीड़ित है। और केजरीवाल जी कहते हैं अब ये हालत 2025 तक रहेगी। तो केजरीवाल जी पिछले 8 साल में प्रदूषण के खिलाफ केवल बातें ही उन्होंने की हैं, और जितना रुपया इस मद में लगाया है वो सब रुपए की बंदर बाट हुई है। आज पूरी दिल्ली त्रस्त है। मेरा ये कहना है अगर केजरीवाल सरकार दिल्ली की जनता को प्रदूषण से मुक्त नहीं कर सकती तो उनको तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। सर, नमामि गंगे का 1000 करोड़ का बजट था जिसमें से पैसा यमुना साफ करने के लिए भी दिया गया, उसके बारे में क्या कहेंगे आप दिल्ली सरकार को? देखिए, मैंने जैसा कि पहले कहा कि पैसे की बंदर बांट हुई है और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया। वो केवल बातें करते हैं, बातों के अलावा कुछ नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ अजय जी मौजूद हैं जो कि खुद विधायक हैं। सर, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर चीज़ें हो रही हैं, यमुना पार्क का भी जो हाल है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर फिलहाल? नहीं, पर्यावरण का हाल बुरा है और हमारे यहाँ यमुना पार्क में पानी की भारी किल्लत है। स्कूलों की हालत ख़राब है, जबकि ये पूरे दिल्ली में स्कूल के मॉडल की बात करते हैं। मेरे यहाँ आकर देखिए ना, मैं तो आमंत्रित करता हूँ आपको कि मेरे यहाँ के स्कूल का हाल देखिए। पहले लॉबी में बच्चे पढ़ रहे हैं, टीन सेट में पढ़ रहे हैं, पोटा केबिन में पढ़ रहे हैं, बहुत बुरा हाल है। पीने का पानी आता नहीं, आता तो पूरा प्रेशर से नहीं आता, आता है तो फिर साफ़ नहीं आता, बहुत दिक्कतें हैं। तो यमुना पार में तो हम अभी परेशानियों से जूझ रहे हैं और लगातार पार्टी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इन दिनों जो दारू के ठेकों को लेकर के बड़ी लड़ाई चल रही है, जो गली मोहल्ले में दारू के ठेके खोल रहे हैं, उसका हम पुरजोर तरीके से जनता के साथ मिलकर विरोध कर रहे हैं। सर, एक चीज़ और बताइए, जिस तरीके से जो आपने खुद ने कहा कि दारू के ठेकों को लेकर के जो अभी चीज़ें चल रही हैं, पिछली सरकार में भी थी, पहले भी दारू के ठेके खुले हुए थे, तब आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? नहीं, आप समझ नहीं पा रहे हैं, हम दारू का शराबबंदी की बात नहीं कर रहे हैं, हम दारू का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम सरकार की शराब नीति नई जो आई है इसका विरोध कर रहे हैं, जिसमें 25 साल से उम्र घटा के 21 साल कर दिए है, जिसमें पिंक ठेके खोलने की बात हो रही है, जिसमें रात 10 बजे की बजाय रात को 3 बजे तक खोलने की बात कर रही है, उसमें महिला सुरक्षा रह पाएगी? निर्भया कांड में मोमबत्ती लेके घूमने वाले ये लोग जो कहते थे कि महिलाओं का सुरक्षा होना चाहिए, क्या महिलाओं की सुरक्षा दारू के ठेकों से होंगी? ये कहते थे कि हम महात्मा गांधी के रास्ते पर चलना चाहते हैं, हम राम राज्य लाना चाहते हैं दिल्ली में, क्या दारू के ठेके खोलने से राम राज्य आएगा? आप 260 प्राइवेट दुकानें थी, आज 850 खोल रहे हो, उस पर भी आप जितने भी फार्म हाउसेज हैं, जितने भी आपके बैंकेट हॉल हैं, जितने भी 3000 से ज़्यादा जगहों पर आप, और 24 घंटे, और वन टाइम लाइसेंस लेके पूरे साल बेच सकते हो। पहले एक कार्यक्रम के लिए एक लेना पड़ता था। इन नीतियों का विरोध कर रहे हैं, ना कि शराब का। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि केजरीवाल पंजाब के चुनाव के चलते दिल्ली को बिल्कुल भूल गए हो? पंजाब, वो दिल्ली को तो कभी याद रखे ही नहीं, वो तो शिकारी की तरह दाना डालने का काम किया और जाल में जो फंस गए, अब क्या करेंगे, 5 साल बाद ही तो निकलेंगे ना, ये बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लाइव न्यूज़ दिल्ली को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सब ज़रूर इसे वॉच कीजिए, आई एम श्योर ही इज़ गिविंग यू वेरी गुड न्यूज़।